हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला। कई सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स अभी तक हमने देखी है, एक और सॉर्टिंग टेक्निक देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटिंग सॉर्ट। तो भाई ये काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके एल्गोरिथम का वर्किंग फ्लो क्या है, वो एक एग्जाम्पल के साथ सिंपली मैं आपको समझाने वाला हूं, और बाद में इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि भैया काउंटिंग सॉर्ट आखिर है क्या। तो दोस्तों इसमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड थिंग है वो एक अजम्पशन होता है कि व्हाट शुड बी द रेंज इन बिटवीन आपको जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके कीज हैं, आपको सॉर्ट करने, तो वो रेंज आपको यहां पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो मैं यहां पे अभी कंसीडर कर रहा हूं वो रेंज समझ लीजिए फ्रॉम 1 to 5। लेट्स कंसीडर ये मेरी रेंज है, बराबर। इस रेंज के बीच में ही जो भी मेरे नंबर्स होंगे या जो भी मेरे कीज होंगी जिन्हें हमें सॉर्ट करना बाय यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट, वो इस पर्टिकुलर रेंज में होंगे। फॉर एग्जांपल मेरी जो कीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, लेट्स से इट्स समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, इट इज समवॉट इन दिस वे, बराबर। अब ये पूरे नंबर्स अनसॉर्टेड मैनर में है, इन्हें हम कीज भी बोल सकते हैं, इन टेक्निकल टर्म टू काउंटिंग सॉर्ट, बराबर। तो ये जितनी भी कीज है भाई हमें इन्हें सॉर्ट करना है, लेकिन उससे पहले एक चेक करना है कि जो भी रेंज दी हुई है उसी रेंज में हमारे सारे के सारे जितनी भी कीज है क्या वो लाई कर रहे हैं, उसी के बीच में है, अगर है तो सही है फिर, ठीक है। उसके बाद का अगला स्टेप क्या है काउंटिंग सॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक डेटा स्ट्रक्चर कंसिडर कर लीजिए, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एरे कंसिडर कर लीजिए, ओके। उसको आपको क्या करना है, कितनी रेंज है उतने आपको यहाँ पे ब्लॉक्स तैयार करने हैं। जैसे कि 5 हमारी रेंज है, 1 से लेके 5, तो टोटल कितने हैं 5 ब्लॉक्स, तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। सो दिस इज फॉर 1, 2, 3, 4, 5। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा, भाई ये तूने क्यों किया, वाई यू आर डूइंग इट, वॉट इज द रीजन। बिकॉज दोस्तों अभी हम लोग ये जो भी कीज है इनका काउंट कहीं ना कहीं स्टोर करना है हमें, दैट इज वाई इट इज अ काउंटिंग सॉर्ट, वी आर काउंटिंग द कीज, ओके। तो इनका जो काउंट है हर एक नंबर का, हर एक की का, वो अभी हमें स्टोर करना है इस रिस्पेक्टिव ब्लॉक में। दैट इज अगर 1 कोई आंकड़ा आता है तो उसका रिस्पेक्टिव काउंट मैं इस ब्लॉक में स्टोर करूंगा, 2 का इसमें, 3 का इसमें, 4 का इसमें, 5 का इसमें। तो इसीलिए जितनी आपकी रेंज होगी जैसे कि 1 से लेके 5 तक, तो टोटल कितने होंगे भैया 5। तो उन 5 का मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक डेटा स्ट्रक्चर एरे ले लिया और उनके ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब ये काम कैसे करता है, काउंटिंग हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन, बराबर। सबसे पहले आया मेरा यहाँ पे 5, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, काउंट इज 1, इनिशियली 5 एक बार आया, 4 तो यहाँ पे 1, ठीक है। वापस से 5 आया तो अभी मैं क्या करूंगा 2, बराबर है कि नहीं। मतलब यहां से यहां तक मैं जब तक ट्रैवर्स करते करते पहुंच रहा हूं, मेरा 5 2 बार आ चुका है और 4 एक बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, 1 एक बार आया, बराबर, 2 एक बार आया, ओके। और यहां पे मैं ऐसे भी लिख देता हूं लास्ट में, ओके। उसके बाद कहां तक पहुंचे थे मैं, ओके 1 हो गया था, अभी 1 पे वापस आता हूं, तो इट इज गोइंग टू बी 2। तो जब तक यहां तक मैं ट्रैवर्स करता हूं तो मेरा 1 2 बार आ चुका है, 5 2 बार आ चुका है, 4 एक बार और 2 एक बार आ चुका है। आगे जाता हूं तो 2 आता है, तो यहां पे 2 टाइम्स द की 2 हैज अकर्ड, बराबर। दैट इज आई एम ट्राइंग टू काउंट कि भाई कितनी बार कोई अकर हो रहा है, 4, तो यहां पे 4 कितनी बार आ गया, फिर दूसरी बार आ गया, फिर उसके बाद 5 तीसरी बार आ गया, और उसके बाद 3 जो कि यहाँ पे एक बार आया, बराबर है, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई अपने को। अभी इसके बाद सॉर्टिंग कैसे होगी, तो सॉर्टिंग का एकदम सिंपल सा तरीका है। अभी ये किस ऑर्डर में है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, बराबर है, ओके। उसी ऑर्डर में आपको नंबर्स लिखने हैं विद दीज रिस्पेक्टिव काउंट्स और विद दीज रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, बराबर है। आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो भी आप नंबर लिखोगे इट शुड बी इन दिस रिस्पेक्टिव ऑर्डर, कि भैया सबसे पहले जो आपका 1 है जो कि स्मॉलेस्ट है वो कितनी बार आकर हुआ, 2 बार आकर हुआ, तो भैया 2 बार 1 लिख दो, सिंपल। उसके बाद 2 कितनी बार आकर हुआ, 2 बार आकर हुआ, तो उसे 2 बार लिख दो, सिंपल। उसके बाद 3 आता है, कितनी बार आकर हुआ, काउंट क्या है उसका 1, तो यहाँ 3 लिख दो। उसके बाद आते हैं भैया 4 के ऊपर, वो कितनी बार फाइनली आकर हुआ, 2 बार हुआ, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं, बराबर है। और फाइनली वी रीच अप टू द 5 विच इज द बिगेस्ट नंबर, हाईएस्ट वैल्यूड नंबर, वो कितनी बार आकर हुआ, 3 बार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जो ये अनसॉर्टेड मेरी कीज थी उन्हें अभी मैंने फाइनली सॉर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर विच इज नथिंग बट द वर्किंग फ्लो ऑफ काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। इस तरीके से आपका जो काउंटिंग सॉर्ट है वो काम करता है। अब बात करते हैं भैया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो दोस्तों कंसिडर कर लो, ये मेरी कोई तो एक स्पेसिफाइड रेंज है, बराबर, एक स्पेसिफाइड रेंज है, एंड बेस्ड ऑन दिस रेंज मैं ये जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है उसकी साइज
क्या करता हूँ, अलोकेट करता हूँ, बराबर है कि नहीं। मतलब भैया ये जितना भी होगा, इसकी रेंज जितनी भी होगी, लेट्स कंसिडर कि भैया उस रेंज में के नंबर्स आते हैं, जैसे कि अभी इसमें इस रेंज में 5 नंबर आते हैं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो उसी तरीके से भैया इस पूरे की साइज़ क्या हो जाएगी, इसकी साइज जो है, ये पूरा जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं उसके काउंट स्टोर करने वाला हूँ हर एक नंबर के विद इन दैट रेंज, तो उसकी साइज भी कितनी हो जाएगी, उसमें कितना होना चाहिए, के, बराबर। सच के ब्लॉक्स आई एम गोइंग टू क्रिएट, क्योंकि भैया के की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी के की वैल्यू 5 है। विद इन द रेंज कितने नंबर है, दैट इज नथिंग बट के, बराबर। ये तो हो गया एक। दूसरी बात कि भैया ये जो मैंने कीज दी है, ये कितने कीज है, लेट्स कंसिडर टू बी इन अ जनरलाइज्ड मैनर, यहाँ पे भी हमने के जनरलाइज्ड मैनर में कंसिडर किया। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो अभी इस केस में, इस एग्जांपल में के की वैल्यू क्या है, 5 है, बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज्ड मैनर में बात करता हूँ कि भैया कितनी कीज मुझे दे दी सकती है, तो वो लेट्स कंसिडर कि भैया एन इज द नथिंग बट नंबर ऑफ कीज। अभी इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो इसमें एन मेरा क्या है, 10 है। सो लेट्स कंसिडर टू बी जनरलाइज्ड कि भैया ऐसे n कीज मुझे दे दी गई है जो कि अनसॉर्टेड है, जिन्हें मुझे सॉर्ट करना बाय यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट। तो भैया अगर मुझे n यहां पे पता है, यहां पे k अगर मुझे पता है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ऑफ व्हाट वी हैव टू स्कैन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्कैन भैया दिस होल थिंग, बराबर ना। पहले हमें ये पूरा स्कैन करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन दैट स्कैनिंग, बेस्ड ऑन द ट्रैवर्सिंग, हम लोग यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव काउंट्स लिखेंगे, बात बराबर है। उसका अगला स्टेप क्या होगा, हमें इस डेटा स्ट्रक्चर को स्कैन करना पड़ेगा ताकि हम ये रिस्पेक्टिव सॉर्टेड एरे फाइनली एज अ रिजल्टेंट आउटपुट लिख सके। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, पहला तो नंबर ऑफ कीज जितनी भी वो स्कैन हो रहा है, प्लस ये जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके, दैट इज के, वो आप स्कैन कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। और इसका जो रिजल्टेंट निकलता है फाइनली, वो आपका एक सॉर्टेड रिजल्टेंट एरे होता है, जो कि इसका आउटपुट है, एक तरीके से इस एल्गोरिथम का आउटपुट है, बराबर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द काउंटिंग सॉर्ट। और फिर बचती है भैया आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग मेजरली कंसिडर करते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर को, वी आर मेजरली कंसिडरिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, के, मतलब जितनी आपकी रेंज होगी उतने आपके ब्लॉक्स होंगे इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि रिस्पेक्टिव नंबर के आपके काउंट स्टोर करने वाले हैं। इसीलिए जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इट इज गोइंग टू ओनली एंड ओनली डिपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस के, बराबर। तो जो भी आपका के होगा उसके ऊपर आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है मेजरली के ऊपर डिपेंड करेगा, मेजरली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेजरली वो उस के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि भाई क्या रेंज है, उस हिसाब से इस डेटा स्ट्रक्चर की कितनी साइज होनी चाहिए, विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के, बराबर, कि कितना स्पेस लगने वाला है उस प्रोग्राम को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बिग ओ ऑफ के। तो भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गई, लेकिन कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी है दोस्तों हमारे काउंटिंग सॉर्ट के, जिनको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में जरूर मैं डिस्कस करूंगा थोड़े इलस्ट्रेटेड मैनर में। तो दोस्तों अगला वीडियो देखना भूलिएगा मत, जहां पे हम इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो अगर फिलहाल आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और भाई उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।